हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह से मेरा नहाना तो हो गया। ये पता नहीं क्या खेल रहे तीनों के तीनों। आज रील बनाते हैं, चलो चलो, काफी दिन से रील नहीं बनाया। रील तो मैं बनाता सेमड़ा आ रहा ना तन्नू के नाक से। तो साबुन कहाँ से आ गए? सेमड़ा है वो तो। साफ कर रुमाल से, ले साफ कर सेमड़ी तन्नु। तो गाइस, बचपन में ज्यादातर लड़कियों को ही सेमड़ा आता है, लड़कों को नहीं आता। बिट्टू इधर देखा, बिट्टू को नहीं आता सेमड़ा। ये लूडो खेलने लग गए। इसमें क्या लूडो है? वाह यार, देखो ये छोटा सा लूडो। अरे कहाँ फुटना को भी है नहीं, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया ये। ये भी बच्चा बन गया। कुलकले में खुला था। वे एक दिन कुलकले होगा तो उसमें है ना इतना बड़ा कोटा। लाइट तो बंद है और मम्मी खाना वाना बना रही है। दाल वाल चढ़ा दिए। तोरकी मतलब तुअर की। निमाड़ी में तोरकी बोलते, तोर की दाल। तो गाइस अभी देखो इनकी लड़ाई हो रही है। ये मम्मी अब मारेगी इसको, बिट्टू को। तन्नू की तो अच्छी धुलाई कर दी, बिट्टू ने ही दिया 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 दिया। नहीं 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 नहीं, पड़ी पड़ी, मारेगा उसको। पहले क्यों मारा, पहले क्यों मारा? उनने पहले क्यों? ए, बस कर ले चुड़ैल। छोड़ पागल, लगा मैं। अरे मैं मारूंगा ना, सीधा रहना, गिरेगा ना वो। छोटी है ना, इधर है तो क्या? मार खा। बस कर ले बेटा, ना तो दोनों को मारूंगा। चलो पढ़ाई करो, फटाफट पढ़ाई करो। चलो पेपर चले, वो तो मुझे पता है। तो लास्ट पेपर की पढ़ाई नहीं करोगे? अरे तो मेरे पास कॉपी नहीं है। काफी कॉपी में थोड़ी पढ़ा कल पर्यावरण हो, तीन हो गए पेपर कल पर्यावरण का। तीन पेपर हो गए इनके, चार पेपर है, एक पर्यावरण का भी, इसलिए कल होगा वो। कल परीक्षा थी? हाँ कल पेपर इनका। नहीं मैं नहीं खेलता। अभी अपन रील बनाएंगे, रील रील बनाएंगे, अभी नहीं खेलते। कैसी लड़ाई कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये खेलने लग गई। मम्मी यहाँ सो गई है और पिट्टू तनु देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये तीन चार बच्चों को बुला लिया है और पूरा यहाँ पर गंदा गंदा कर दिया है। ये पूरा यहाँ पे गंदा गंदा कर दिया। ये देखो मिट्टी मिट्टी खेल रही है, पर मिट्टी तो खेली रही है ना, मिट्टी भी थी ना, किधर की मिट्टी? ये सब गंदा कर तो रखा है। मिट्टी मिट्टी का नाम मत लो। हाँ। रेत में मिट्टी क्यों मिला रहे हो? क्यों उल्टी हरकतें कर रहे हो? दादी अगर जग गई ना तो बहुत मारेगी। तो गाइस बचपन में, बचपन में आप में किस किस ने ऐसे खेल खेले? मिट्टी मत खेलना बेटा, मिट्टी मत खेलना, हाथ गंदे होंगे ना। ये तो मंदिर का सामान है, तो मिट्टी मत खेल बेटा। ठीक है, बनाएंगे पर बाहर मत निकल। उसको बोलो तन्नू को, मैं हिसाब किताब करूंगा। ये यहाँ अलग खिलौना लेके खड़ा है, इधर इधर एक ट्रैक्टर खेल रहा है। वो पेपर लगाया बड़े चले तो आप बड़े से। हाँ हाँ समझ गया। ये ना बोल, इसको तो कुंगी नहीं बताते, आप ही बता ऐसे बताते। टू रो 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 समझ गए समझ गए समझ गए। खेलो। वाह आज तो भिंडी की सब्जी दिख रही है, देखो भिंडी की सब्जी है जो कि हरी मिर्ची से बनाई हुई है। डबल दे पे आने दे, जरा बल दे पे आने दे, वीडियो जो बन जाने दे। ये हमारा पुराना वीडियो देख रहा, दिखा बिट्टू उसको गा रहा है, दिखा दिखा। ये देख टिकटॉक टाइम का कौन सा देख रहा, इसमें तो आवाज ही नहीं है, बिना आवाज तो है ही नहीं।
देखो अभी इसका फेस देखो और पहले देखो, पहले का बिट्टू और अभी का बिट्टू। हमारे यहाँ ना कौओं को पता नहीं क्या हो जाता है, यहाँ उनका वो घोंसला है तो आते जाते लोगों को काटने दौड़ते हैं। एक वीडियो मैंने पहले डाला था, आप में से किसी ने देखा है कि नहीं, जब कौवे काटने दौड़ते थे और अभी भी ऐसा ही करते हैं ये। तो वैसे अभी लगभग 6:15 बज गई है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही ये लोन बनाई और ना, पता नहीं पैसे मांग रहा था काका, दादी 50 का नोट दे देना। क्यों? हाँ पैसा नहीं है। तो ये कहाँ से ले आए पैसे? मुझे मिले थे। हैं? हाँ इसको ले मिले थे। ऐसा पैसे मिलते? हमको तो मिलते ही नहीं। हमको तो मिल जाते हैं। मम्मी के पास से पैसे मांग के ले आया और अब जाएगा कुरकुरे वगैरह लेने के लिए जाएगा वो। अरे दादी से नहीं मांगा, आपके तकिया के नीचे एक नोट आता ले लिया। हाँ अच्छा, हमने छुपाया था। मेरे को क्या बोल रहा विट्टू आकर कि ये मिले घर के, और ये भी तन्ने भी बोल रहे कि हम लोगों को स्कूल में पैसे मिले। आजकल के बच्चे ना बहुत झूठ बोलते हैं। चलो क्या दादी अभी वो बना रही है, दाल बना रही है। बाय, आज काय खाना वाना बन गया? नहीं आपा, दाल बना। इसमें क्या है? इसमें खाली कुछ बनाई नहीं। बना रहे मम्मी खाना। कल को तो कुछ नहीं बनाया। क्या बात कर रहे हो? तो कल भूखे रहे क्या? क्यों नहीं ले गए? दादी ने समोसे लाके दिए थे तो? हाँ, मुझे यार ये छोरी को बहुत भूख लगती है यार, इसको खाना खिलाओ। मम्मी जल्दी खाना बनाओ इसके लिए। कुरकुरे लेने गया ना भैया। आप लोगों को ना तन्नू का भाषण बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैंने पिछले कमेंट भी पढ़े थे। तो अभी सामने से काका आ रहे वो आ रहा कमल। ठीक है तन्नू, कुछ बोल, कुछ भी बोलो। आप जो बोलते हो ना सबको अच्छा लगता है। क्या? जो भी आप बोलती हो ना सबको अच्छा लगता है। बोलो क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, जो बोलना है वो बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी। फुग्गे क्यों लेके आया? खाने की चीज लाना था ना। दादी पर पैसे नहीं है। तो दादी पर पैसे नहीं पड़े, आपके पास तो थे। ये देखो ऐसे पैसे पर बात करते है बच्चे। फुग्गे उठा के ले आया जबरदस्ती, 10 रुपए पूरे बर्बाद कर दिए उसने। 10 रुपए ले गएगा मम्मी के पास से खाने के लिए, कुरकुरे वगैरह लाऊंगा करके, और फुग्गे उठा लाया। अब इसका क्या होगा देखते हैं। 10 रुपए कहाँ है? 10 रुपए का कितने फुग्गे है? कितने दिए मम्मी आपको पैसे दिए? कितना? अरे फुग्गे ये खाने की चीज है, उठा के ले आया है। कुरकुरे के लिए पैसे लेके गया था ना। अब मत लाना है ना, ये अब मत लाना, पैसे बर्बाद मत करना, ठीक है ना। इसलिए पैसे मांगता है। आप पैसे मांग के ले, मम्मी पैसे मत दिया करो तो इनको, ज्यादा पावर बढ़ गया इसके। गाड़ी कैसी क्या हो गई है देखो, भंगार तो नहीं हुई बाकी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टूट गया क्या? उसने एक प्लेट खराब हो गई। कौन सी प्लेट? कौन सी प्लेट? इसकी कौन सी प्लेट आती है? अंदर पता नहीं कौन सी प्लेट ये बोल रहा है इंजन के पास की, पता नहीं मुझे तो। क्योंकि ये है, ये बंद करा देंगे। क्या बात करी ये सब? ये तो वैसा, अगर ये नॉर्मली नाम लिखा रहा है इनको भी मिटवा रहे क्या? कमेंट करके जरूर बताना। पता नहीं है क्या बात कर रहा है ऐसा, क्यों पता नहीं यार मुझे ना इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। मेरा जो YouTube चैनल का नाम है बाइक के ऊपर, अगर ये भी गलत है तो कमेंट करके जरूर बताना, वरना मैं पहले हटा दूंगा, फालतू में चालान कट जाएगा इसका। बाकी गाड़ी का ये टूट गया, इंजन में आवाज़ आ रही है। गाड़ी को भी काफ़ी टाइम हो गया, 2014 में शायद ली थी गाई बाइक ना, अभी तक इंजन नहीं खुला, शायद 9 साल हो गए गाड़ी को। दीपावली पे लेके आए थे हम लोग गाड़ी, भैया ने ला के दी थी ऐसे, मतलब दीपावली धनतेरस पर लेके आए थे, भैया ने ला के दी थी बाइक। 8-9 साल हो गए। पहले ना बाइक कमल भैया पापा ये बहुत ज्यादा दौड़ाते थे, मेरे को तो शौक ही नहीं इतना था चलाने। मैंने कभी भी बाइक को गिराई नहीं, मैं इस कमल ने भी बाइक गिराई थी, ये मरघाट जो भी मार्क्स आता नहीं फूटा हुआ है, भैया ने भी गिराई है, पापा ने भी गिराई है, इन्होंने दो तीन तीन बार गिराई है इन्होंने बाइक, पता नहीं।
अभी क्या, जब से ब्लॉग स्टार्ट करा है ना तब से कहीं ना कहीं ब्लॉग के लिए जाना पड़ता है। मेरी शुरू से पता है कैसी आदत है, अगर मैं घर हूँ ना तो घर ही रहूंगा, फालतू इधर उधर नहीं भटकता हूँ। और कमल की आदत ऐसी है कि घर रहता ही नहीं है, इसके पाँव और थे भैया और पापा भी ऐसे ही थे, उनके पाँव भी कभी घर नहीं टिकते थे। मैं ही अकेला एक ऐसा था जो घर पर ही रहता था, ज़्यादा कभी बाहर गया ही नहीं। अगर कोई काम रहता था ना तभी बाहर जाता था मैं, वरना घर ही रहता था। वाह ये अब इसको फुला के क्या मिल गया, इसको बेच बेच के पैसे लूंगा। ओ, इसको बेच के पैसे ले लेगा। वाह इसके मैं 10 या 20 में दे देगा। वाह वेरी गुड। अगर ये दोनों समझ गया तुम दोनों की बातें मैं समझ गया। ठीक हो गया गाइस, देखो मुझे गाइस क्या देखेंगे गाइस गाइस खेल रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने इस ब्लॉग की एडिटिंग करी है और अभी कुछ दिनों से मैंने ब्लॉग कंटिन्यू कर दिए है। बाकी टाइम पर ब्लॉग पोस्ट नहीं हो पाते, उसका कारण ये होता है कि मैं क्या करता हूँ पता है, अभी जिस दिन ब्लॉग शूट कर रहा ना उसी दिन अपलोड कर रहा हूँ, मेरे पास ना एक्स्ट्रा ब्लॉग नहीं है। जिस दिन एक्स्ट्रा ब्लॉग आ जाएगा ना उस दिन परफेक्ट एक टाइम पर ब्लॉग आएंगे। अभी 7 बजे या 8 बजे के बीच में ब्लॉग आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे कि आप ना सुबह का टाइम शुरू कर दो ब्लॉग पोस्ट करने का। सुबह अगर करूँ तो कौन से टाइम पर करूँ, 9 या 10 बजे का टाइम सही रहेगा, बट सुबह कैसा रहता है कि ब्लॉग चलते ही नहीं, मैंने पहले भी अपलोड करके देखे थे। फिर भी एक वीक के लिए ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए, काफ़ी सारे मैंने कमेंट नोटिस करे हैं कि आप सुबह ब्लॉग पोस्ट करो, तो ये भी ट्राई कर लेंगे एक वीक के लिए। ठीक है, बाकी अभी क्या मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लॉग नहीं है ना, इसी वजह से सुबह से लेकर शाम तक ब्लॉग शूट करता हूँ, फिर एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। और चलिए फटाफट इसका एंड कर देता हूँ। बताना आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे क्या लगा और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको किस टाइप के ब्लॉग देखना ज़्यादातर पसंद है, मैं कोशिश करूँगा उसी टाइप के ब्लॉग लाने की। ठीक है, और भी कुछ अगर आपको जानना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या तो आप डायरेक्ट इंस्टा पर सर्च करना संतोष रोकड़े 143, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी, वहाँ पर भी अपना प्यार देना, सपोर्ट करना। और आज के व्लॉग में जो भी था आप लोगों ने देख लिया, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय। और अभी तक तो व्लॉग को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। ठीक है।